Nicole. Tafo. Grading in physics, chemistry, math by टीचर, ठीक है? टीचर कैप्टन। तो देखते हैं बेटा, ये आपका टफ है समझो, ठीक है? टफ से क्या हो सकता है? टी से टू हो जाएगा। एप से क्या हो जाएगा? फ्लेजला। दो फ्लेजला होता है ना? यस मैम। जी से क्या हो जाएगा? Go on. New legs. R C red. D C. Dino. Residence. ठीक है? देखो. Physics. Yes, ma'am. और क्या हो जाएगा? Physics से क्या हो जाएगा? Apps से. D C. Photosynthesis, protist, दूसरा हो जाएगा photosynthesis हो रहा है, यानी कि पिगमेंट भी होगा उसमें। पिगमेंट का नाम मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ये प्रथम क्लोरोफिल बी किसमें पाया जाता है? Yes, ma'am. क्लोरोफिल बी। मैम आपने क्लोरोफिल बी आपने उसमें बताया था यूवीएनओएक्स में। हाँ, उसमें पाया जाता, बाकी सब में नहीं, ठीक है? क्योंकि वो उसमें पाया जाता है। हाँ। Yes, ma'am. केमिस्ट्री का सी से सेल्यूलोज, इसका एक एक करेक्टर इस तरह याद हो जाएगा तुमको, ठीक है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो कि स्टिफ होता है, सेक्यूल एम से क्या हो जाएगा? मैरिन। मोस्टली क्या होता है? ये मैरिन होता है, ठीक है? मोस्टली। और ये क्या होता है? टॉक्सिन रिलीज करते हैं, बताया था ना मैंने बेटा। रेड टाइड बोलते हैं इनको, आरसी, जो कि टॉक्सिन जो रिलीज करता है वो कौन है? गोना न्यूलॉक्स, ठीक है? चलो ये तो डायनोफ्लैजेलेट का हो गया, अब हम उसका देख लेते हैं, डायटोन्स का देख लेते हैं। डायटोन्स का क्या हो जाएगा? डायटोन्स का लिखेंगे सौरभ, सौरभ गांगुली शुड बी डायरेक्टली इंटर्ड इन PhD, ठीक है? और क्लास PhD क्लास में डायरेक्टली इंटर हुई है, ठीक है? इसका आपका हो जाएगा बेटा सौरभ का S हो जाएगा सिलिका,
सिलिका से बना होता है ना? यस मैम। सिलिका सेल वॉल हो गया जो कि दो पार्ट में होता है, ठीक। गांगुली से हो जाएगा आपका ग्रिटी होता है, ओके। और एस से हो जाएगा सॉफ्ट बॉक्स होता है, और बी से हो जाएगा आपका डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं ना इसको? यस या इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं? हाँ, फिल्ट्रेशन पॉलिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएचडी से क्या हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा बेटा? पी से आपका हो जाएगा फोटोसिंथेटिक थीसिस, एंड देन पिगमेंट हो जाएगा। पिगमेंट कौन कौन सा पिगमेंट है? डी से आपका हो जाएगा, सॉरी पहले एच से देखते हैं, एच से हो जाएगा हैबिटेट, मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट हो जाएगा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब मैरिन हो जाएगा, मैरिन, ठीक है, मैरिन हो जाएगा। और फ्रेश वाटर भी हो जाएगा बेटा, एंड फ्रेश वाटर। ठीक, तो ये हो गया बी से आपका क्या हो जाएगा, डाय टर्मस एंड डैस्मिड, सी से आपका हो जाएगा क्या होते हैं, मुख्य होते हैं ना, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ठीक है। चलो ट्रिक देख लेते हैं उसका, जुगलीना का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा, इसका आप लिख लो। पहले लिखो हैरी पॉटर, हैरी पॉटर क्या हो जाएगा, हैरी पॉटर टॉर्स बेस्ट फ्रेंड, फॉरएवर एस is playing, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे हो जाएगा habitat, उसका हो जाएगा, ठीक है, habitat जहाँ पे वो रहते हैं, habitat हो जाएगा fresh water, किसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, टैग्नेंट, किसको बोलते हैं बेटा फ्रेश वाटर जो मैम एक जगह मतलब रुका हुआ है,
समुद्र तुम्हारा फ्रेश वाटर है ये बताओ। यस मैम। हाँ मेरी नुआ ना उसमें नमक ज्यादा पाया जाता है ना। हाँ यस मैम नमक पाया जाता है। वो मेरी नुआ फ्रेश वाटर तुम्हारा जैसे कि तालाब नदी वगैरह जो होता है ठीक है ना वो सब हो गया। पहले कल हो गया पहले कल सेल्वर अब्सेंट होगा कि बेस्ट फ्रेंड से बॉडी बेस्ट फ्रेंड से बॉडी बॉडी से फ्लेक्सिबल ठीक है बॉडी क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और फॉरएवर का एप्स क्या हो जाएगा एप्स हो जाएगा फ्लेजला फ्लेजला एस से क्या हो जाएगा एस से एब्सेंट एब्सेंस ऑफ सनलाइट ठीक है एब्सेंस ऑफ सनलाइट एस से सनलाइट सनलाइट उसको हम क्या बोलते हैं एच से क्या हो जाएगा उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफस ठीक है ओके और पी से हो जाएगा फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक मींस सनलाइट प्रेजेंट और इससे पिगमेंट हो जाएगा ओके okay? इस तरह आप रिवाइज कर लोगे कि क्या क्या होगा ठीक है yes. चलो तो ये तो ठीक हो गया है ना अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मैं हेडिंग डालूं यहाँ पे तो हो गया आपका नया हेडिंग डालो स्लाइम मोल्ड बताया था ना मैंने स्लाइम मोल्ड नया हेडिंग स्लाइम मोल्ड डालो ठीक है स्लाइम मोल्ड इसी का है ठीक है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा ये बताओ ये सब किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक हाँ बताओ प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं हाँ बैक्टीरिया पढ़ चुके मोनरा पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा में काफी ये बड़ा है ठीक है तो देखो इसमें क्या है कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये earlier included under class पहले इनको किस क्लास में रखा जाता है बेटा myxomycetes इसमें myxomycetes little class myxomycetes क्लास कौन सा क्लास होगा myxomycetes ठीक है किसमें ऑफ फंगी ठीक है फंगी का तो हम अलग से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ठीक है उसके बारे में इसको मतलब किसमें रखा गया था अर्लियर फंगी में रखा गया था ठीक है और इसको क्या बोलते हैं बेटा और इसको हम बोलते हैं Also known as protistian fungi, ठीक है fungi तो है नहीं fungi का तो अलग से पढ़ते हैं बट इसको रखा गया था fungi में ठीक है उसका कुछ character देखा गया होगा उसकी वजह से इसको protistian fungi बोला गया ठीक है बेटा चलो और आप इसका थोड़ा जनरल करेक्टर देख लेते हैं हम ओके जनरल करेक्टर देख लेते हैं
जेंडर कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है? अब भाई फंगी की तरह क्वालिटी है तो जाहिर सी बात है सैप्रोफिटिक होंगे, ठीक है? सैप्रोफिटिक मींस बेटा क्या करते हैं सैप्रोफिटिक मींस? सड़ा गला से मतलब आ जाना, हाँ सैप्रोफिटिक होते हैं, न्यूट्रिशन इनका ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कंज्यूमर क्या करते हैं? डिकम्पोज, ठीक है? क्या हो जाएगा? कंज्यूमर मतलब खाते हैं, क्या करते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर, ठीक है? सड़ा गला भी खाते हैं, ठीक है? और आप लिख सकते हो सैप्रोफिटिक जो है दे क्रिप ओवर डैड डिकेइंग ट्विंस एंड लीव्स एंड इंगल्फ देयर ऑर्गेनेल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है बेटा? खाते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? चलो तो आप तो ये हो गया इनका। अब इनको ये होते क्या बेटा? ये मोस्ट फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है? हो गया हाँ, ये मोस्ट फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट फ्री लिविंग ठीक। सेकेंड थर्ड आप देख सकते हो, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है, ठीक है? नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ए क्लोरोफिलस, ठीक है? ए क्लोरोफिलस, ओके? और आप लिखो कि इसमें सेल वॉल क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है, ठीक है? किसमें बताती हूँ, लिख लो लैक, इम्पोर्टेंट है, लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव फेज। एक तो स्पोर फेज होता है, एक वेजिटेटिव फेज। क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव फेज मतलब उनका जो सोमेटिक डिवीजन होता है जो बॉडी का, ठीक है? सेक्स से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है? वो तुम्हारा स्पोर में आ जाएगा, ठीक है? जो सेक्स से रिलेटेड होगा वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पोर में तो सेल वॉल होगा, बट इसमें क्या होगा? नहीं होगा, हाँ, वेजिटेटिव, ठीक है? जैसे मान लो अगर हम लोग में वेजिटेटिव क्या हो जाएगा? सोमेटिक। जैसे कि मान लो हमारा कोई बॉडी है, बॉडी का कोई भी स्किन हुआ, अलग अलग जो भी पार्ट, बस सेक्स रिलेटेड छोड़ के बाकी कोई भी पार्ट को के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक, ठीक है? या वेजिटेटिव, ठीक है बेटा? हाँ, इतना समझ में आ गया ना? अब देखो, अब एक और लिखो कि इसमें क्या होता है, इनका प्रोसेस जो है, ये लिखो पोजेस सेलुलोजिक। अब इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, किसमें? रिप्रोडक्टिव, ठीक है? यहाँ पर तो रिप्रोडक्टिव की बात नहीं हुई, ये वेजिटेटिव की बात हुई, सेक्स रिलेटेड हो रहा है यानी कि रिप्रोडक्टिव की बात हो रही है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे बेटा, या
या स्पोर फेज बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? हाँ, कहाँ गई फेज का लग रहा है? यस मैम। ओ नहीं, यहीं पे। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। हाँ, तो आगे लिखो सेलुलोज़ मतलब क्या हुई है। प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है ना, सेलवा किससे बना रहता है? उसका बना रहता है कि नहीं, पेप्टिडोग्लाइकॉन सेलुलोज का होता है ना। अब देखो, ये हैव नेक्ड नेक्ड प्रोटो प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या हुआ बताओ? प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं बोल रहा है, प्रोटोप्लास्ट। प्लास्ट पे ध्यान दो, तुमको दोनों मैंने बताया था, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म दोनों बताया था। बताओ क्या होता है? हाँ, भूल गई, बोलो बोलो भाई, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? लिखो, प्रोटोप्लाज्म में ना तुम्हारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, बाकी सब नहीं होता है ना। प्रोटो इसलिए ध्यान से देखना, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? इसमें क्या होगा, दी प्रोटोप्लाज्म, देखो प्लाज्म दिख रहे ना, मतलब सर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऑफ अ लिविंग प्लांट, प्लांट या बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। क्या इसमें रिमूव करोगी? बस सेल वॉल को हटा दो, ठीक है? सेल वॉल, मैंने ये तुमको बताना कि जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, सॉरी हैज सेल वॉल हैज क्या होगा, हैज बीन रिमूव कर दिया, ठीक है? समझ में आया किसको बोलते हैं? यस मैम। हाँ, तो ये माइंड में रखे रहना भैया कि ये क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही हो? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट पढ़ रही हो ना कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो कोई भी सेंटेंस को पहले ध्यान से समझो कि क्या है प्रोटो, जल्दीबाजी में कुछ भी देखने में एक जैसा लगे तुरंत उसको जो समझना ना हो वो समझ के बैठ जाओ। सेवन क्या हो जाएगा इसका, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा दो तरीके से होगा, पहला हो जाएगा सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब सेल डिवीजन, दूसरा क्या हो जाएगा सेक्सुअल, ठीक है? और एक चीज आप और लिख लो कि इसको तो क्या, इसमें डिटेल अभी पढ़ेंगे इसका, ये आपका होता है, सॉरी ये बेटा ए सेलुलर होता है और सेलुलर होता है, स्लाइम मोल्ड जो होता है ना। हाँ, यहाँ पे आप लिखा लो, क्या होता है बेटा ई सेलुलर, ठीक है? और सेलुलर मतलब इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड। अच्छा ये बताओ, प्लाज्मोडियम से समझ कुछ याद आ रहा है? प्लाज्मोडियम क्या बताया था कुछ, प्लाज्मोडियम के बारे में? यस मैम, मॉस्किटो वाला आपने बताया था। हाँ, तो वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, माइंड में रखना, नहीं तो उसको यहीं पिला कर रख देना, ठीक है? मैम कैसे डिफरेंट? देखो बता रहा हूँ, ये होता है क्लोनियल, ठीक है? ये क्लोनियल होता है, सेलुलर जो होता है ना
मैं बताऊंगी अभी आगे कोलोनियल कैसे होता है, ये प्लाज्मोडियम कैसे होता है, ठीक है? देखो प्लाज्मोडियम तुम्हारा बेटा किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोन होता है ना, वो होते हैं कि नहीं? यस सर। ये तुम्हारा इसमें थोड़े आएंगे, प्रोटोजोन में आते हैं ना। और दूसरा ये तुम्हारा मॉस्किटो के द्वारा, मॉस्किटो के स्पोरेट्स में होता है ना, तो ये तुम्हारा अदर थिंग है, ठीक है? ये उसका मैं फिगर उस तरह बनाऊंगी प्लाज्मोडियम का लाइक दिस, कि कैसे वो उसमें मल्टी न्यूक्लियस कैसे होता है, उसकी वजह से इनको मतलब प्लाज्मोडियम भी बोला जाता है। बट ये वो वाला प्लाज्मोडियम तुम मत समझ लेना, मॉस्किटो वाला मत समझ लेना, ठीक है? प्रोटोजोन वाला मत समझना, ओके? दोनों डिफरेंट, ठीक है ना? बस उसके स्ट्रक्चर की वजह से वैसा बोला जा रहा है, बट वो है नहीं, वो दोनों अदर अलग अलग थिंग है। कहाँ आप ये पढ़ रहे हो और कहाँ वो है, वो अदर थिंग हो गया, वो आपका प्रोटोजोन में आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं बेटा आगे, आगे देखते हैं कहाँ तक हुआ। मुझे ना ये सब तो नोट करवा दी। हाँ अब लिखो आप, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ए सेलुलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो ए सेलुलर आप हेडिंग डालो, ए सेलुलर, ए सेलुलर आप हेडिंग डालो, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का हेडिंग डालो, ठीक है? ओके हाँ, यहाँ पर हेडिंग डालो ए सेलुलर, स्लाइम मोल्ड, ठीक है? तो इसमें होता क्या है बेटा, ये आपके होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्टिंग से ऐसे लिखते हैं, इनका क्या होता है, पहले लिख लो इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है? इन अनफेवरेबल कंडीशन में इनका क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी आपका प्लाज्मोडियम डिफरेंट differentiate and forms several क्या बनाते हैं, floating bodies। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है floating body, ठीक है? क्या बनाते हैं, floating bodies बनाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ये floating bodies बनाते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, और आप लिख सकते हो कि ये आपके होते हैं डिप्लॉइड मतलब टू एन, मतलब जो तुम्हारा क्रोमोसोम जो है ना बेटा वो टू सेट में है, ठीक है? टू सेट में, इसलिए डिप्लॉइड मैंने बताया, टू सेट में है, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका वेजिटेटिव या सोमेटिक, मैंने अभी बताया ना वेजिटेटिव के बारे में, है ना? यस मैम। सोमेटिक फेज या वेजिटेटिव फेज में होता है डिप्लॉइडी, ये इसका मैं बता रही हूँ, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है? और देखो इसमें आपका क्या होता है बेटा, सेल वॉल क्या होता है, ये वेजिटेटिव में सेल वॉल क्या होगा, कुछ लिखवाया अभी, एब्सेंट लिखवाया कि नहीं, है ना? Absolutely. ना, तो ये किसका करेक्टर मिलता है, तुम बताओ ये तुम्हारा करेक्टर किसका हो जाएगा, एनिमल में सेल वॉल होता है क्या, बोलो? No, ma'am. हाँ, तो ये किसका करेक्टर हो जाएगा, इसका करेक्टर हो जाएगा एनिमल, और ये तुम्हारा अमीबा की तरह, इसको हम बोलेंगे एमोइबॉइड, ठीक है?
अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, ये मूव करेगा, मूव बाय स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया अमीबा की तरह। अब फिगर बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर आप लिखोगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बेटा। और इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, क्या होते हैं, एग्रीगेट ऑफ प्रोटो, देखना प्रोटोप्लास्ट में बोल रही हूँ, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, पास पास आते हैं, फिगर थ्रू में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे किसके अंदर हो जाएगा, अंडर 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 फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, ग्रो करेंगे एंड सॉरी एंड सेपरेट एंड स्टेप स्प्रेड, मतलब फैल जाएंगे ओवर ओवर सेवरल ओवर सेवरल सेवरल फुट, मतलब कई जगह फैल जाएंगे, ठीक है, ओके। मम्मी सेवरल के बाद क्या लिखा आपने, सेवरल फुट है मतलब बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, समझ रही हो, सेवरल फिगर। हाँ देखो, जैसे कि मान लो ये फिगर है बेटा, मान लो ये तुम्हारा, मैंने फिगर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों का अपने फिगर मान लो ऐसे दिया, अमी वाला एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, मैंने बताया था ना ये मूव द स्यूडोपोडिया अमीबा, और इसमें देखो न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टी, ठीक है, ओके, इसलिए मैंने मल्टी न्यूक्लिएट किया। और देखो प्रोटो एग्रीगेट मैंने इसलिए बोला फेवरेबल कंडीशन में, ये जो न्यूक्लियस है ना इसका पास पास आ जाएंगे बेटा, ठीक है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में पास पास हो जाएंगे, फिर ये ग्रो करने लगेंगे बहुत तेजी से, और फिर जब ग्रो कर लेंगे तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मो डीएम, सोचिए ना अमीबा बनाए तो अमीबा होगा, ठीक है, इसको ही प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक, वो वाला प्लाज्मोडियम मत सोचना, उस वाले भी प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बट वो अदर थिंग है, ठीक है बेटा, हाँ। अब एक चीज और लिख लो कि होता क्या है कि चलो नीचे लिखो, इतना हो गया ना, देखो ये बनाते क्या है, ये तुम्हारा आगे क्या करते क्या है, ऐसे रफड़ी पर फिगर बनाते देखो, ये लाइक दिस ऐसे फिगर बनाएंगे, तुम्हारा जो सेमेटिक वेजिटेटिव ग्लू है ना, ओके, क्या करेंगे, जैसे मान लो ये ऐसे लाइक दिस ऐसे फिगर बना लें, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे, तो ये ऊपर का जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, स्पोरेंजिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्टॉक, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प, ठीक है, इसको ही स्पोरोकार्प बोलते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, आपका एक तो हो जाएगा, एक हो जाएगा होलोकार्पिक, होलोकार्पिक मतलब पूरा, ठीक है, इंटायर,
आप लोग को इंटायर समझ रही ना, होलोकार्पिक मतलब पूरा, समझ रही हो? पूरा होलो मतलब पूरा, पूरा क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, फॉर्म्स बनेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी, पूरा फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा अपना, ठीक है बेटा। बॉडीज पूरा वही जो फिगर जो बनाया ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा अपना पूरा प्लाज्मोडियम फॉर्म क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज। यहाँ पर भी लिखवाया ना मैंने, आता है क्वेश्चन फ्रूटिंग बॉडीज किस में होता है, देखो मैंने इधर लिखवाया ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अभी फिगर में बना रही हूँ, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, एक बार पढ़ोगी तो भूल जाओगी, जब तक अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो, ठीक है। सेकंड आपका होता है बेटा, सेकंड होता है होली सेंट्रिक, होली सेंट्रिक इसमें क्या होता है, होली सेंट्रिक में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फॉर्म्स सेवरल, क्या बनाता है, सेवरल, ठीक है, सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, बॉडीज, ठीक है, सेवरल। अब वो किस तरह बनेगा मैं बना के भी बताती हूँ, कैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो देखो होगा क्या, मैं यहीं पे बना देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जैसे कि अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कोई एक को, मान लो मैंने कई बना दिया, कोई एक को ले लो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, म्यूसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, म्यूसिस, हाँ म्यूसिस हो जाएगा। तो ये लाइक दिस ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये लाइक दिस ऐसे ऐसे बना लिया, ये बना हुआ है ना ऐसे, है ना, yes, ma'am. इसमें आपका ये मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है, आप आउटर को बोल दो पेरिडियम, मतलब आप लिख सकती हो वॉल ऑफ, वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है बेटा, सिर्फ ऊपर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, वॉल ऑफ स्पोरेंजिया हो गया। अब देखो अब यही इसको आप लिख लो के बी ली कैपिलेशन, कैपिलेट्रियम, क्या इसको बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड, ठीक है, थ्रेड मतलब धागे की तरह, ठीक है बेटा। तो ये क्या करेंगे, धागे धागे की तरह, जैसे मैंने मान लो बना दिया, ऐसे बना दिया ना, बनाया ना, ये जो थ्रेड है उसको मैंने लिखवाया, ठीक है, तो धागे की तरफ बना लेंगे। तो ये होगा क्या बेटा, ये क्या करेंगे, और ये तुम्हारा स्पोर है, ये गोल गोल जो मैंने बनाई वो क्या है, स्पोर्स है, जो कि हैप्लोएंटिक होता है, ठीक है बेटा। आज आ सकता है क्वेश्चन, स्पोर इसका क्या होता है, प्लांटिक होता है कि डिप्लांटिक होता है, ओके, तो होता क्या है, तो ये तुमको, ये मैंने तुम्हारा इसमें बताया, ठीक है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन जब इनको जाएगा तो ये होगा क्या, मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, इधर बना देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर ब्रस्ट कर देता, ब्रेक कर देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके ये स्पोर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके, अब स्पोर बाहर आ गया, स्पोर बाहर आ गया, अब ये अपने अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, देखो ये स्पोर रिलीज, मैं इधर लिख देती हूँ, स्पोर, स्पोर रिलीज्ड, रिलीज्ड हो गया स्पोर, अब स्पोर रिलीज्ड हो गया, तो आप इसको लिख सकती हो स्पोर अपोजेस, स्पोर पोजेस लिख सकती हो ना, यस पोजेस, स्पोर पोजेस, तो ये करेगा क्या, अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर लेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेल वॉल बना लेगा, मैंने बताया ना
स्पोर में सेलवाल पाया जाता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज में पाया जाता है बेटा, तो ये अपना स्पोर बना लेगा जो कि क्या रहेगा, सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक बना होता है, ठीक है। कैसे, प्लांट की तरह, सेलुलोज किसमें बना रहता है बेटा, प्लांट लाइक होता है ना, प्लांट प्लांट लाइक होता है, ओके ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। हाँ तो आगे लिखो, तो ये प्लांट लाइक होता है और ये भी बेटा आपका हैप्लांटिक होता है, मैं एन लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एन से समझ जाओगी ना। यस मैम। हैप्लांटिक, ठीक है, एन है ये, इस स्पोर की बात करें, ये क्या है, हैप्लांटिक है, ठीक है, हैप्लांटिक है। चलो तो अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो हम लोग करते हैं क्या है, अब इसमें करेंगे ये सब बेटा, आप ए सेलुलर के बारे में पढ़ रही हो, पता है ना ए सेलुलर? यस मैम। हाँ कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि सेलुलर अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका, हाँ अब आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पे मान लो ये है, अब आगे का स्ट्रक्चर ये आपका हो जाएगा कि मान लो आगे के स्ट्रक्चर में कि अपने को हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब आप लिख सकते हो कैन सर्वाइव फॉर ईयर, कई सालों तक जीते हैं ना बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि जैसे इंडोर स्पोर की तरह मैंने तुमको बताया था ना, अपने चारों तरफ कई लेयर डेवलप कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब सरवाइव कर जाएंगे कई सालों तक, क्योंकि इसने अपना वो कर लिया है, कवर अप कर लिया सेल वॉल से, और उसमें तो आपका सेल वॉल पाया नहीं जाता था वेजिटेटिव में, है ना। आप देख सकते हो ऑन कैन सर्वाइव फॉर ईयर ऑन जब तक तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन आना चाहिए, ठीक है, कंडीशन समझ में आया, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये सब तुम्हारा किसमें हो रहा, अनफेवरेबल में रहा, मेजर ले दे रही हूँ अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेब में ये ऐसे करेगा, और जैसे ही फेब आएगा वैसे ही क्या कर देगा बेटा, आप बताओ स्पोर जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम, फिर वो आगे मतलब अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। हाँ जर्मिनेट कर देगा, अब इनकी बारी है, अभी तक इनकी बारी नहीं थी, अब इनकी बारी आ गई भैया, जर्मिनेट कर दिए, तो अब जर्मिनेट करके क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, एक तो बायफ्लेजलेटेड बनाएंगे, अब मैं फिगर बनाती हूँ इधर, ठीक है, ठीक है, और ये भी बेटा आपके आइसोगेमिंग, आइसोगेमिंग मतलब क्या होता है, एक तो आपका वेट हो जाएगा, वेट मतलब गीला, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जो स्पोर जर्मिनेट करेंगे बेटा, एक तो वेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ड्राई, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो अब देखो दोनों में क्या होता है, ड्राई में आपका हो जाएगा नॉन मोटाइल हो जाएगा, यहाँ पे मान लो अमीबा की तरह मैंने फिगर बना दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन मोटाइल। इसमें एग्जांपल आप ले सकती हो माइक्रोमीडिया, ठीक है, यस मैम, माइक्रोमीडियम हो गया, और इसमें आप एग्जांपल ले सकती हो कि ये होते हैं बाइफ्लेजलेटेड, दो फ्लेजला होता है, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वार्म होगा आर, ठीक है, स्वार्म सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है, ओके, हाँ स्वार्म सेल, इसका फिगर आपका हो जाएगा, मतलब इससे बनाते हैं लाइक दिस, ऐसे दो फ्लेजला मैंने बोला ना, तो दो फ्लेजला निकाल दो और ये ऐसे बना दो, अमीबा की तरह से बना दो, ठीक है, Yes. आगे का फिगर बनाओ, ये आगे का तो आप बना दो, हाँ
ये ऐसे ही जैसे ये है ना, बिल्कुल ऐसे ही आइसोगेमी में बना रही बेटा। आइसोगेमी मतलब क्या हो जाएगा? यस मैम। आइसोगेमी, आइसोगेमी मतलब क्या हो जाएगा? यस मैम, आपने बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल वो सिमिलर होंगे, सेम, इसलिए मैंने सेम बनाया। ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएंगे आपका। अब देखो, अब इन दोनों में मैं, इन दोनों में मैं क्या करवाऊंगी, फर्टिलाइजेशन करवाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, हैप्लोइडिक होता है ये। ठीक है, ये भी क्या होता है, हैप्लोइडिक। दो गैमेट हो गए ना, हाँ यस। तो अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, ऐसे मैं कैसे करवाऊ, मान लो कैसे करवा देते हैं। ठीक है, सही रहेगा ना? सही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा बेटा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन जब होगा तो आपका जो जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, वो क्या हो जाएगा, जायगोट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डिप्लॉन्टिक होता है ना। यस मैम, टू एंड। हाँ, डिप्लॉइड हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सेल वॉल क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। हो जाएगा ना, होगा यस मैम। हाँ चलो, आगे लिखो। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लो बेटा, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। यस मैम। हाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ग्रोथ करेगा, जायगोट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। तो जो तुम्हारा पूरा ये जो अमीबा जो मैंने बनाया था ना, क्या बनाया था, ऐसे जो बना दिया था ना टाइप का प्लाज्मोडियम, ये बना लेगा तुम्हारा ग्रोथ करके, प्लाज्मोडियम बना लेगा। ठीक है, इसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्रैंज, इसको ही बोलेंगे, जो ग्रोथ करके जो बना रहा है इसको ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी इसको हम बोलेंगे, कुछ चल रहा है क्या यार, कुछ तो कुछ चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है, इसको बोलेंगे कैरिंग यू कैरी योर, सॉरी कैरी काइनेस बोलेंगे, काइनेसिस। ठीक है, कैरी योर काइनेसिस बोलेंगे बेटा, काइनेसिस। ठीक है, इसके ग्रोथ को बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, आगे लिखो आप, ये होता है आपका क्या हो जाएगा। हाँ, ये सब हो गया, हाँ। अब देखो एक चीज आप और लिखो बेटा, ये कि ये बताओ, ये कैसे, मतलब ये होंगे, ये डिस्प्लेस कैसे होंगे, एयर के थ्रू होंगे, ये जो जो हो रहा है ना यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ मैंने ब्रेक बनाया था, ये जो ब्रेक किया था ना, ब्रेक किया था yes, ma'am. तब ये इसके थ्रू कैसे बाहर आएंगे, वो किसके थ्रू आएंगे बेटा, एयर करंट के थ्रू। तो आप यहाँ पे लिखो, कहाँ, यहीं पे लिखवा दूँ, हाँ yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लिख लो, यही पे ऐसे लिख लो कि क्या हो जाएंगे, displaced होंगे बाहर की तरफ, ऐसे displaced होंगे by air currents। ठीक है, ऐसे तो बाहर खुद नहीं निकलेंगे, फट जाएगा, बट बाहर कोई भी उसके प्रेशर पड़ेगा तभी तो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ एयर के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है बेटा, है ना? Yes, और ये किसकी वजह से होगा, ये आपका स्पोर, सॉरी मैंने तो लिखा है वाला स्पोरोंजियम। ठीक है, हाँ तो ये जो होगा, ये स्पोर जो होगा पोजेस
सेल वॉल लिखवाया कि नहीं मैंने? ट्रू वॉल, ठीक है। हाँ तो इधर मैंने लिखवाया ना, सेल वॉल होता है स्पोर के पास। एक चीज और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना कि स्पोर जो है, स्पोर्स ओजिट्स ओजिट्स ट्रू वॉल, ट्रू वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल है उनका क्या है? ट्रू वॉल, फॉल्स नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। हाँ मैंने लिखा है ना ये आइसोगेमी होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं है ना बेटा, ये भी लिख लेना। ये दोनों सेम है ना, सेम बन रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लो, एक पॉइंट में लिख लो कि ये किससे लिखो, इससे लिखवा दे, क्या होता है ये आइसो सेलेक्ट नहीं है, चलो कोई नहीं, लिख लो आइसो गो गेमी, आइसो गेमस, ठीक है, आइसो गेमस है ना। यस गेमस में तो पता ही आपको मॉर्फोलॉजिकली जो सेम होते हैं। हाँ और चलो अब हम आते हैं किस पे आते हैं, सेलुलर पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेलुलर, हाँ सेलर पे आएंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो सेलुलर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम, रिवाइज कर लेना अगर कहीं कुछ गड़बड़ समझ में ना आए, समझ में। सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक। तो इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि मान लो ये क्या हो गया, मान लो ये तुम्हारा प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, मैं इसका बना रही हूँ माई माइजा मोइबा, लिखवाया था ना मैंने एग्जाम्पल, लिखवाया था ना माइजा मोइबा, हाँ। तो ये क्या होता है, ये बेटा ये क्या होता है, ब्रेक होता है, इसका डिवीजन होगा, अलग अलग ऐसे बना देगा। अब ये बताओ जब संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो खाने की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जहाँ पे तुम एक लोग का अच्छे से परवरिश कर सकती हो, वहां पर चार लोग का परवरिश कर पाओगे अच्छे से? नो, नहीं कर पाओगी ना। तो अब इनमें क्या हो रहा है, खाने की कमी हो रही है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन बोल सकती हो ना, खाने का ये कोई भी चीज, मान लो एक मैंने एग्जांपल दिया, इस चीज की कमी हो गई तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हुआ कि नहीं उनके लिए, है ना। यस मैम, अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, ये पास पास आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे बेटा, होगा क्या, रुको, इसके चारों तरफ भी आपका स्लाइमी लेयर पाया जाता, ठीक है, ठीक है, यस मैम, हाँ उसमें भी पाया जाता है, मैंने बनाया नहीं तो आप बना देना, ये हो जाएगा आपको बेटा एप्लॉइड हो जाएगा और अमोइबॉइड, है ना, अमोइड, अमोइबॉइड जैसे है ना, यस मैम, हो जाएगा सेल वॉल अब्सेंट, ठीक। और ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है कि नहीं, मल्टी तो मैंने बनाया नहीं है, यूनी बनाया, ये सब मैंने लिखा है, ये चीज आप लिख लेना यहाँ पे एडिंग में, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फेज के बारे में, ठीक है। ठीक है, यस मैम, चलो ओके। अब देखो तो ये तो हो गया वेजिटेटिव, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में,
ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है तो ये सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? एक तो सिक्रेट करते हैं आपका साइकल एएमपी, ठीक है, साइकल एएमपी, और एक होता है ए क्रेसिन केमिकल होता है, ठीक है, ओके। ये सिक्रेट करते हैं, क्यों सिक्रेट करते हैं? ताकि ये पास पास आ जाए, सिक्रेट करते हैं ताकि ये जो पास पास आ जाए, पास पास आ जाए। तो पास पास आ जाएंगे तो कम्युनिटी इनका बन जाएगा ना, है कि नहीं? पास पास आ जाए, ये सब पास पास आ जाए, ठीक है। आप बोल सकते हो कि केमिकल्स, आप लिख सकते हो ये क्या है आपका केमिकल सिक्रेट करते हैं, ठीक है, केमिकल, यही समझ आओ, ये केमिकल है, ये सिक्रेट करते हैं ताकि पास पास आ जाए, ठीक। और जैसे पास पास आएंगे तो इनको जब ये फेब में आ जाएंगे, फेब कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है, फेब कंडीशन मिल जाएगा, तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारा एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ठीक है, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन में देखो होता क्या है, फेवरेबल कंडीशन में इनका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, एक से दो बनते जा, मतलब डिवाइड होते जा रहे, तो डिवाइड हो गए, एक से दो हुए, दो से चार, ऐसे आगे बढ़ते गए, तो अब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिला, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में तो अब ये केमिकल सेपरेट हुआ ताकि ये पास पास आ जाए, ठीक है, और ये होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस में अब तुमको कल पढ़ाऊंगी, कल नहीं थर्सडे को, ठीक है, ओके, थर्सडे को, हाँ मैम सुबह, हाँ सुबह ही पढ़ा, ठीक है मैम, ये 9 to 10, हाँ 9 to 10, ठीक, ओके मैम, हाँ समझ में आया ना, यस, कोई डाउट नहीं है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और पुराना रिवाइज कर रही हो कि नहीं? यस हम कर रहे हैं, करते रहना बेटा, नहीं तो सब दिमाग से उड़ जाएगा, फिर कहानी की तरह लगे, चलो बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।